भ्रष्टाचार की बहती गंगा में क्षेत्रीय अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन स्तर के अधिकारी किस कदर बेलगाम है इस बात से समझा जा सकता है कि आम आदमी की संपत्ति तो दूर की कौड़ी है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी भूमाफिया राजस्व व पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवैध कब्जा करने से नहीं कतरा रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि वक्फ बोर्ड द्वारा तैनात मुतवल्ली के तमाम प्रार्थना पत्र व शिकायतें जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देश के बावजूद बेअसर साबित हो रही हैं। सामने आए मामले में तहसील हैदरगढ़ के थाना असंद्रा अंतर्गत नगर पंचायत सिद्धौर के सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड वक्फ इमामबाड़ा मीर पंजतन बख्श के नाम दर्ज मकान व खाली जमीन पर आधा दर्जन लोगों ने जबरन अवैध रूप से कब्जा कर दुकान बनवा रहे हैं, जिसमें नगर पंचायत सिद्धौर के मोहल्ला लंबोवा निवासी मुतवल्ली व शिकायतकर्ता बदरुजमा पुत्र अब्दुल हक ने अवैध कब्जे को लेकर DMSP उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में परोक्ष रूप से मिलकर शिकायती पत्र देते हुए तमाम मामलों से अवगत कराया था। लेकिन हद है कि बावजूद इसके जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की पुलिस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। आपको बता दें कि जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन सहित राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई तो दूर मुतवल्ली को ही उल्टा वहां से हटने का दबाव बनाते हैं। मुतवल्ली ने के बताए अनुसार अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन व मुख्यमंत्री तक से शिकायत के बाद अब अवैध कब्जे के मामले में सुनवाई कब और कौन करता है। वहीं लोगों की माने तो अगर यह जंगल राज ही रामराज है तो पहले वाला राज ठीक था, जिसमें कम से कम दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर लोगों को न्याय तो मिल जाता था। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में स्वयंभू व पुलिस व बेअंदाज प्रशासन बिना भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई सुनवाई लोगों के बताए अनुसार नहीं कर रहा है। नाम है आपका? हमारा नाम बदरुजमा है। हमारे वहाँ एक वक्फ की जमीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सिद्धौर के रहने वाले हैं। वक्फ की जमीन है, उस पर लोग करीब 4-5 साल से बराबर कब्जा करते रहे और वो बेच रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। कौन लोग? मुख्तार हैं, अंसार हैं, इकबाल हैं। ये कहाँ के रहने वाले? ये सिद्धौर मोहल्ला हटिया के रहने वाले। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हमने पहले शुरू में तो थाने में चौकी पे, उसके बाद थाना दिवस में जिला अधिकारी को और DM को, SP को और मुख्यमंत्री तक और वक्फ बोर्ड को, अल्पसंख्यक विभाग में सभी को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कहा जाता है आपसे? हमसे कहा जा रहा है हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा।